नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट। देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है, रैलियों का रैला है। आज बारी महाराजगंज के सिसवा विधानसभा क्षेत्र की। अब देखिए कि विधायक के दावों पर विपक्ष का क्या मानना है और वो कौन से मुद्दे हैं जिन्हें विपक्ष जनता के बीच उठा रहा है। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? उनके काम काज को आप जनता से बेहतर तरीके से पूछ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 403 विधायक हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो सबसे खराब काम में पहला नंबर उनका है। उनका काम इसी से अंदाज लगा सकते हैं। इस विधानसभा के 3 गांव सोहगी बरवा सहित उन्होंने चुनाव जीतने के तत्काल बाद विधानसभा में लिख कर दे दिया था कि इनको महाराजगंज जनपद से काट कर कुशीनगर में कर दिया जाए। तो जब 2017 में ही वह 3 गांव इसी विधानसभा कटवा रहे थे तो फिर क्या करेंगे। आज महाराजगंज इसकी सिसवा विधानसभा की कोई भी ग्रामीण सड़क चलने के काबिल नहीं है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? विधायक के रूप में इस नाते चुनना आवश्यक है कि अभी तक यहाँ जितने भी लोग विधायक हुए हैं सभी लोग परिक्रमा वाले हुए हैं, जो हर दल की परिक्रमा कर चुके हैं, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस। और यहाँ जितने लोग आज तक विधायक हुए क्षेत्र का विकास नहीं किए, सिर्फ अपना विकास किए। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? मैं 2 साल के लिए उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद का उपाध्यक्ष था। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया था इस जनपद में पार्टी को मजबूत करने के लिए। और उन 2 वर्षों के अल्प कार्यकाल में ही जितना कुछ हो सका मैं पार्टी को मजबूत बनाया। इस 2 विधानसभा से होकर गुजरने वाली सड़क महाराजगंज से निचलौल, जो बहुत ही खराब थी, 3 ही मीटर चौड़ाई थी इसकी, उसको हमने पास करवाया और बनवाया शुरू कर। फरवरी 2017 में ही इसका निर्माण शुरू हो गया था और 7 मीटर में बनी हुई है। शिकारपुर से घुगली सड़क, वो भी 3 मीटर थी, हमने 7 मीटर करवाया।